पहाड़ों पर हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी से सीतापुर की लहरपुर तहसील क्षेत्र में हाहाकार मचा है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सरयू और घाघरा के उफनाने से इलाके की 30 ग्राम पंचायतें जलमग्न हो गई हैं। 50 कच्चे घर भी बाढ़ के पानी में जमींदोज हो गए हैं। यही नहीं, मुख्य मार्ग समेत 30 संपर्क मार्गों पर पानी बह रहा है। इससे खेत और सड़क एक हो गए हैं। गांवों में फंसे हजारों परिवारों ने छतों पर डेरा डाल रखा है, तो इतने ही परिवार सड़क के किनारे अपना आशियाना बनाए हुए हैं। प्रलयकारी बाढ़ में करीब 50,000 की आबादी प्रभावित हुई है। ग्रामीणों की माने तो लहरपुर तहसील का एक बड़ा हिस्सा लहरपुर खीरी सीमा से जुड़ा है, जिस कारण बैराजों से छोड़े गए पानी से यहाँ का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। उनका कहना है कि ऐसी बाढ़ विभीषिका करीब 90 बरस पहले यहाँ के ग्रामीणों ने देखी थी, तब भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई थी, लेकिन इस बार की बाढ़ ने 90 वर्ष के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी से इलाके की 30 ग्राम पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें भतवर, पिपरिया, तेजवापुर, नौवापुर, मरसंडा, अमरनगर, रतौलीडीह, ढोलनापुर, खनियापुर, कुसेपा, पसुरा, बेलवा, पट्टी दहेली, चंदवासोत, शिखनापुर, दहेली, गहबड़ा, रामपुरवा आदि शामिल हैं। यही नहीं, इतने ही मुख्य व संपर्क मार्गों पर भी बाढ़ का पानी चल रहा है। इससे मार्ग पूरी तरह से कट गए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके में रेस्क्यू के लिए बुलाई गई एनडीआरएफ की टीम मदद करते नजर आई। क्षेत्र में आई प्रलयकारी बाढ़ को देख हरगांव के भाजपा विधायक सुरेश राही अपने समर्थकों के साथ गए और सड़क किनारे बसे पीड़ितों से मिलकर उनके दुख दर्द में शरीक हुए। इसमें एक बार आई बाढ़ विभीषिका जैसा दर्द, बनबसा बैराज से छोड़े गए 5,33,000 क्यूसिक पानी के चलते आज ये क्षेत्र भतफर जो हरगांव विधानसभा और तहसील लहरपुर का एक अंग है, वो पूरा लगभग कई दर्जन गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। उसका जायजा लेने के लिए लोगों को, भूखे लोगों को पैकेट बांटने के लिए हरगांव के क्षेत्रीय विधायक सुरेश राही जी ग्राउंड पर उपस्थित हैं। आई इंडिया उनसे जानना चाहता है, क्या ये प्रशासन के साथ साथ आप सब लोगों को मिल करके इन जनता का आप लोग क्या दर्द बांट सकते हैं? देखिए, त्रासदी तो बड़ी भयंकर है और सन 2009 वाली जो है उससे ज़्यादा त्रासदी है। फसलें सब नष्ट हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सभी सेवा में लगा हुआ है, सरकार प्रशासन सब लगा हुआ है। प्रशासन तो परसों से ही लगा हुआ है यहाँ पे, लगातार लगे हम लोग भी परसों से ही बराबर नज़र रखे हुए हैं और बराबर भ्रमण कर रहे हैं। कल एक नाव दुर्घटना में 3-4 लोग डूब गए। नावें सुनते हैं कि नावों का संपर्क तब से प्रशासन ने रोक दिया कि गाँव को नाव नहीं उपलब्ध हो रही है। नहीं, नावें फंसे हुए हैं। नावें उपलब्ध हैं, कल चल रही हैं। वो ना जो घटना हुई थी वो लखीमपुर जिले में हुई थी। जी जी जी। और जो सुनने में आया कि उसमें जो नाव का चालक था वो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था, संभवतः दुर्घटना इसी कारण हुई थी। माननीय जी, ये आपका विधानसभा क्षेत्र है और आप यहाँ पर केवल पैकेट भोजन बांटते हुए नजर आ रहे हैं, क्या तमाम सारी सामाजिक संस्थाएं जो समाज में बड़ा बड़ा समाज सेवा करने का दम्भ भरती हैं वो कहीं पर नहीं दिखाई पड़ रही हैं? उनको उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए आप कुछ करेंगे? देखिए, ये तो स्वैच्छिक से है, जिसका मन करे करे आके, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी जिम्मेदारी, मैं क्षेत्रीय विधायक भी हूँ, मेरी जिम्मेदारी भी है कि हमारी जनता भूखी न रहे। इस दौरान उप जिलाधिकारी पंकज कुमार राठौर और पुलिस क्षेत्राधिकारी राजू कुमार साव भारी प्रशासनिक दलबल के साथ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करते नजर आए। हालांकि यह प्रशासनिक व्यवस्थाएं ऊंट के मुंह में जीरा के समान ही प्रतीत हो रही हैं। इस दौरान आई इंडिया को SDM व CO ने बताया, हम लोग लगातार 3 दिन से गांव-गांव में जा के बता रहे हैं कि पानी आने वाला है, दैवीय आपदा है, काफ़ी ज़्यादा पानी, लगभग पिछले 92 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो उस हिसाब से थोड़ी समस्याएं ज़्यादा हैं। लेकिन हम लगातार 3 दिन से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। NDRF की टीम हमारे पास आ गई है, PAC की टीम आ गई है, हम अयोध्या से स्टीमर भी मंगवा लिए हैं और लोगों से यही कह रहे हैं कि जब तक रेस्क्यू ना हो जाए तब तक अपनी छतों पर रहें। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं।
इसके साथ साथ हमने लंच पैकेट भी बढ़वाना शुरू किया है, अभी भी बांटे गए हैं और लगातार खाना बन रहा है, सभी को बांटा जाएगा। हम लोग लगातार फील्ड में भ्रमणशील भी हैं, हर संभव मदद की जाएगी, किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, ना ही किसी को किसी समस्या में फंसने दिया जाएगा। व्यवस्था है, देखिए आप सभी देख रहे हैं जो बाढ़ की स्थिति है, वाकई बहुत ज़्यादा भयावह है, परंतु इसके लिए प्रशासन ने पूरे तरीके से प्रबंध कर रखा है और पिछले 72 घंटे से लगातार हम लोग यहाँ भ्रमणशील है, पुलिस के लोग भी हैं और बाढ़ के पानी के द्वारा हमारे चौकी को भी नुकसान पहुँचा है और ये जो हाईवे है जो लखीमपुर से बहराइच जा रहा है ये भी प्रभावित हुआ है। बहरहाल हम लोग हर जगह घूम घूम कर मुआयना कर रहे हैं, जहाँ भी पुलिस की और प्रशासन की आवश्यकता है हम लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं और सभी तरीके का प्रयास करके उनको हर संभव सुरक्षित स्थान पर हम लोग पहुँचाकर उनका पूरा प्रबंध करा रहे हैं, खाने से लेकर उनका दवा इलाज हम लोगों ने शुरू भी करा दिया है, कई लोगों को रेस्क्यू भी कराया है। आप देख सकते हैं कि NDRF की टीम, PSC की टीम और SDRF की टीम, तीनों टीमें लगातार गाँव में अपने अपने बोट और स्टीमर के द्वारा भ्रमणशील होकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और आगे हम लोग ये प्रयास जारी रखेंगे। सर ये कुछ ग्रामवासी जो हैं भक्तपुर के और क्षेत्र के, उनका कहना है कि कई गांवों का बिल्कुल संपर्क टूट चुका है, वहां से कई लोग गायब भी हैं, उनको तलाशा जा रहा है। क्या प्रशासन उनकी सूचना आप तक है कि कौन कौन से किस गांव से गायब हैं लोग? देखिए कई गाँव की सूचनाएं हम लोग तक पहुँची थी, कल रतौली डी का सूचना हमारे पास आया था कि वहाँ के लोग भयभीत परेशान हैं और कई घरों में खड़े हैं या फंसे हैं। हम लोगों ने तत्काल बोट से स्वयं हम लोगों ने लाइफ जैकेट पहन के उस गांव का भ्रमण किया, वहां भी बाढ़ की पानी बहुत भयावह स्थिति में थी। हम लोगों ने लोगों से बात करके और व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने 4 बोटों को इंतजाम करके लोगों को रेस्क्यू करके जो सुरक्षित स्थान वहाँ पहुँचाया। अब आज भी कार्रवाई चल रहा है और आज भी हम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा रहे हैं। बहरहाल जो भी सूचनाएँ मिल रही है हम लोग अटेंड कर रहे हैं और अभी तक आधिकारिक तौर पे कहीं हम लोगों ने पाया नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हम लोग लगातार सतर्क दृष्टि रखे हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं, जहां भी इस तरीके की सूचना मिल रहा है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग सुरक्षित अपने स्थान तक पहुंचे और कहीं कोई हादसा ना हो। SDM साहब, क्या पानी और भी छोड़ा जा सकता है बनबसा बैराज से, ऐसी भी सूचनाएं मिल रही है? नहीं, पानी अब घटना शुरू हो गया है और घटेगा, बस यही 1-2 दिन की बात है, हमें 1-2 दिन धैर्य के साथ इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।